के लाग जायो आशकी करो ले ले वो जो Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एक्स वाई जेड में स्वागत है। दोस्तों स्टार्टिंग में जो आपने वीडियो देखी, अगर आपको भी ये वीडियो बनानी है तो बने रहिए मेरी वीडियो में अंत तक। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो करना लाइक। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगे तो एक कमेंट भी कर देना और हमें कमेंट करके बताओ कि हमें वीडियो कैसी लगी, और हम ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। आज का ट्यूटोरियल बहुत हटके है सब वीडियो से। चलो दोस्तों चलते हैं मेरे मोबाइल पर, दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें एक। हेलो दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है काइंड मास्टर। दोस्तों आपको काइंड मास्टर एप्लीकेशन प्ले स्टोर में बड़ी आसानी से मिल जाएगी। प्ले स्टोर पर आपको करना है डाउनलोड करने का, इंस्टॉल कर लीजिए और यहाँ ओपन करेंगे तो आपके सामने इंटरफेस कुछ इस प्रकार का होगा। आपको बीच में टैप करना है, बीच में टैप करने का 16:9 पर टैप कर देना है। यहाँ से बीच 16:9 पर टैप कर देना है। उसके बाद क्या करना है, मीडिया पर टैप करना है। मीडिया पर टैप करने के बाद आपको बैकग्राउंड चूज करना है। यहाँ से बैकग्राउंड लेना है आपको ब्लैक, कम से कम उसको आपको 10 सेकंड का कर देना है। 10 सेकंड करने के बाद आपको यहाँ से राइट कर देना है। बाद में अपना बैकग्राउंड बड़ा कर सकते हो अगर वीडियो बड़ी होगी तो। दोस्तों आपको क्या करना है, मैंने एक वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जो ग्रीन स्क्रीन, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ से लेयर पर टैप कीजिए और मीडिया में चले जाइए। जहाँ पर भी आपकी वीडियो वहाँ से अपनी वीडियो को आप ले आइए और वहाँ से आपको इस पर कॉर्नर पर क्लिक कर अपनी वीडियो को फुल कर लीजिए। फुल करने के बाद अपनी वीडियो पर टैब है आपका, आपको क्या करना है फिर थोड़ा नीचे चले जाना है और यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रोमा की में। दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ आपको क्या करना है। अपना ऑप्शन ऐसा जाएगा तो आपको दोबारा फोटो पर टैब करना है और थोड़ा नीचे चले जाना है, क्रोमा की ऑप्शन आएगा यहाँ पर। ये रहा क्रोमा की पर ऑप्शन क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर एक कलर चूज करने का ऑप्शन आएगा यहाँ पर। दोस्तों अगर आपका ग्रीन कलर पहले से तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं है तो आप यहाँ से ग्रीन कलर चूज कर राइट कर दीजिए और यहाँ से कर दीजिए अनेबल। दोस्तों अपनी देखिए, अब हमारा फोटो देखो आ गया। अब आपको क्या करना है, यहीं से आपकी मेहनत स्टार्ट होती है। जहाँ से ये अपना फोटो ये अपन इसके हाथ में जो है ये इसको यहाँ से दिखाना स्टार्ट करती है, आपको क्या करना है थोड़ा वहीं से अपना फोटो को वीडियो को पॉज कर देनी है। देखिए दोस्तों यहाँ हमारा फोटो दिखाना स्टार्ट करते हैं तो अपनी वीडियो पॉज करने के बाद आपको करना है लेयर पर टैप और फिर चले जाना है मीडिया में। मीडिया में जाने के बाद अपना एक फ़ोटो ले लीजिए, जो भी अपना एक फ़ोटो उसमें लगाना चाहते हो आप। मैंने अपना एक फ़ोटो ले लिया है, आपको क्या करना है थोड़ा फ़ोटो को घुमा लेना है हल्का सा और 3 डॉट पर क्लिक करना है फ़ोटो पर टैप कर और सेंड टू बैक में कर दीजिए फोटो को और फोटो को ले आइए इसके ऊपर। देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, एक बार अपनी वीडियो स्टार्ट कर देख लेनी है दोबारा। अब आपको क्या करना है, दोबारा अपने फोटो पर टैप करना है यहाँ पॉज कर और यहाँ पे की वाला ऑप्शन आएगा ये वाला, स्की पर ट्रिप क्लिक कीजिए और प्लस पर क्लिक कीजिए। अपने फोटो को थोड़ा इधर कर दीजिए, इसके अंदर एडजस्ट कर दीजिए अपने हिसाब से। फिर आपको प्ले कर देख लेनी है अपनी फ़ोटो को। देखिए दोस्तों फिर यहाँ पर हमारा चला गया फोटो अंदर को, तो आपको करना है दोबारा फोटो पर टैप करना है और की वाले ऑप्शन में जाना है और एक बार प्लस कर देना है फिर से, और फिर से आप अपनी फ़ोटो को ना ऊपर कर लीजिए। पहले अपनी फ़ोटो को एक बार थोड़ी और छोटी कर लीजिए, अब फोटो छोटी करने के बाद आपको क्या करना है दोबारा यहाँ से राइट कर देना है और फिर प्ले कर देखना है अपनी फ़ोटो को। दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारी फ़ोटो फिर अंदर चली गई, आपको करना है दोबारा फ़ोटो पर टैप करना है और फिर दोबारा प्लस पर टैप करना है, सॉरी फिर वाला एक बार दोबारा की पे टैप करना है। की पे टैप करने के बाद एक बार फिर दोबारा प्लस करना है और प्लस पर करने के बाद अपनी फ़ोटो को दोबारा एडजस्ट कर लीजिए इसमें एक बार ठीक से और फिर दोबारा राइट कर दीजिए। आपको दोस्तों क्या करना है, अपना एक फ़ोटो और ले लेना है, दोबारा लेयर पर टैप करना है और मीडिया में जाना है और जहाँ से भी अपना एक और फ़ोटो ले लीजिए। आप अगर एक और फ़ोटो ले सकते हो तो अच्छा सा एक और फ़ोटो ले लीजिए अपना। आपको करना है इस फोटो पर भी 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद इस फोटो को भी सेंड टू बैक में कर दीजिए और यहाँ से कर लीजिए राइट। आपको करना है दोबारा फोटो को एडजस्ट कर लीजिए इस वाले को, अब देखिए दोस्तों अब आपको क्या करना है, तो यार प्ले कर देख लीजिए। देखिए हमारा फोटो ठीक नहीं आया तो अपने फोटो को एक बार थोड़ा सा और छोटा कर लीजिए आप। देखिए दोस्तों हमारा फोटो आ गया इसके अंदर ठीक से। अब आपको क्या करना है, दोबारा अपनी वीडियो प्ले कर देख लेनी है। आपको दोबारा अपने फोटो पर टैप करना है, थोड़ा नीचे जा रहा है अपना, फिर की वाले ऑप्शन पर टैप करना है और फिर एक बार प्लस पर और टैप करना है और थोड़ा नीचे कर लेना है अपने फोटो को और फिर से राइट कर देना है आपको। फिर एक बार प्ले कर देख लीजिए अपनी वीडियो को आप। दोस्तों देखिए हमारी वीडियो बनकर रेडी होगी। आपको क्या करना है, यहाँ से अपने बैकग्राउंड को डिलीट मार दीजिए, यहाँ से वीडियो ख़त्म हो जाती है ये यहीं से। बैकग्राउंड पर टैप कीजिए
बैकग्राउंड पर टैप कीजिए और सीजर बजाइए और ट्रिम टू लेफ्ट राइट कर दीजिए और यहाँ से राइट कर दीजिए। अपनी वीडियो को स्टार्ट से दोबारा देख लीजिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो बीच में हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्या करना है, अपना थोड़ा सा फुटूना और बड़ा कर देना है। अब जैसे अब स्टार्टिंग में ब्लैक ब्लैक रह जाता है थोड़ा सा, आपको क्या करना, थोड़ा फोटो को अपने को बड़ा कर लीजिए पहले वाले को और फिर राइट कर दीजिए और अपनी फिर एक बार वीडियो प्ले कर देख लीजिए। देखिए दोस्तों, तो देखिए हमारा फोटो वीडियो बनकर रेडी होगी दोस्तों। बहुत लाजवाब वीडियो लग रही है। आपको क्या करना है, यहाँ से शेयर पर टैप करना है और वीडियो कर दीजिए एक्सपोर्ट। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों।